शुक्रवार को अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बरदांड के समीप से 3 फर्जी रिकवरी एजेंट को दबोचा। पकड़े गए आरोपी गजराज एसोसिएट बजाज ऑटो कंपनी की रिकवरी एजेंट बता एक व्यक्ति से उसके बाइक का लोन बकाया के अवेज में 10,500 रुपए की किस्त अदा करने का दबाव बना रहे थे। किस्त की रकम नहीं देने पर उन तीनों आरोपियों ने बाइक छीनने की कोशिश की। तभी किसी ने अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित किया। सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस बल के साथ बरटांड पहुंचकर तीनों आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में उन आरोपियों ने उस कंपनी का एजेंट होने का कोई भी प्रमाण दिखा नहीं सके। फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर धनबाद थाना भेज दिया है। आज मुझे सूचना मिली थी कि कुछ लोग तथाकथित अपने आप को कहते हैं कि हम लोग फाइनेंस के रिकवरी एजेंट हैं। सूचना पहले ही मिल रही थी कि किसी के गाड़ी का जबरदस्ती उन लोग पैसेंजर को उतार देते थे, मोटरसाइकिल वाले लोग को, ना तो गाड़ी का स्लिप देते थे, ना ही कितना पैसा उसके द्वारा लिया गया उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन देते थे और गाड़ियाँ ले जा रहे थे। ये 3-4 सूचनाएँ मुझे मिली थी। आज मुझे पुनः सूचना मिली कि एक आदमी अपने बच्चे का इलाज कराने आया था, सुबह से ही वो आया हुआ था। इसी तरह इन लोग कोई अपने आप को कहते हैं कि हम लोग रिकवरी एजेंट हैं, उसकी गाड़ी को रोक लिया। इन लोगों ने बहुत विनती किया कि सर हम लोग बच्ची का इलाज कराना है, हम लोग को इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसकी बातों को इतनी गाली, गंदी गंदी गाली इसको दिया गया है। और ये लोग कहाँ, कौन सा बस्ती है, कुछ बिहार के रहने वाले लोग हैं। सूचना मुझे मिली, मैं इमीडिएट अपने टीम के साथ आया और ये लड़के लोग देखने से लग रहा था कि लोग जरा बदतमीज़ कर गए। पता नहीं कि ये लोग रिकवरी एजेंट हैं भी या नहीं है। कार्ड किसी ने, एक ने दिखाया, बाकी दो के पास कार्ड नहीं था। तो उसके एलवेज में इन लोगों को मैंने थाने को बुला के इनको थाने को सुपुर्द कर दिया। थाना इस पर पूरी जांच करेगा और कार्रवाई करेगा कि आखिर गाड़ी इन लोग ले गया तो इनको कागज़ क्यों नहीं दिया, गाड़ी कहाँ लेके गया हुआ है। दूसरा, जब ये पैसा किसी का लेता है तो उसका रिसिप्ट क्यों नहीं देता है, ये पैसा कहाँ जमा होता है, ये सारे नेक्सस यहाँ पर चल रहे थे। तो इसकी पूरी जाँच अब थाना प्रभारी हमारे करेंगे। स्वदेश वाणी।